चलिए सेकंड क्लास है हम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड क्लास ले रहे हैं, क्योंकि कुछ वजह से पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास रिकॉर्ड कर नहीं पाए थे, एक ही क्लास रिकॉर्ड किए थे आपका। तो अभी हम लोग करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड क्लास। चैप्टर हम लोग का कौन सा चल रहा है? चैप्टर हम लोग का चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर का एडमिशन। ये चैप्टर का नाम है हम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़े थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो हम लोग पढ़े थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सीखे थे, या फिर हम लोग सीखे थे सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए, या फिर हम लोग सीखे थे क्या निकालने के, गेन रेशियो निकालने के लिए सीखे थे। फर्स्ट क्लास में हम लोग यही तीन चीज पढ़े थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। आप अगर अपने बुक के एसके सिंह का सवाल, एसके सिंह का बुक हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग चाहें तो दूसरे ऑप्शन का भी बुक का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको व्हाट्सअप करना है मेरे नंबर पे, व्हाट्सअप करने के बाद आपको दूसरे बुक का सवाल मिल जाएगा। हम जो है एसके सिंह का मेरे पास बुक है, ठीक है, एसके सिंह का बुक से हम लोग सवाल करते हैं, एडमिशन और पार्टनर निकालते हैं। दो आज दो भाग वीडियो बनाएंगे, पार्ट वन हम लोग का रहेगा सवाल करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एसके सिंह के बुक का सवाल करेंगे, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो हम लोग का वीडियो रहेगा, और वो सेकंड पार्ट रहेगा हम लोग का इससे रिलेटेड ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड, जो कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था एक दो मिनट, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो है सवाल करते हैं। प्लीज एडमिशन ऑफ पार्टनर निकालिएगा सब अपना, क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत कीजिएगा सभी बच्चे, एडमिशन ऑफ पार्टनर निकाल लीजिए। तो और अपना एसके सिंह का बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर वन से स्टार्ट कीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर वन में आप देखेंगे कि सवाल आपसे पूछा है संजय एंड सुनील आर पार्टनर, संजय और सुनील क्या है? पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस क्या है? 2:1 है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है 2:1। सुधीर इज टू बी एडमिटेड, सुधीर को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए आपको हमको याद होगा, अगर हम शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस दिन पढ़ा रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो हमने आपको बोला था, क्या बोला था बताइए, तो याद ध्यान दीजिए। तो हम आपको बोले थे कि यदि सैक्रिफाइस रेशियो सवाल में दिया हुआ है, और यदि सैक्रिफाइस रेशियो सवाल में दिया हुआ नहीं है, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब या तो सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है या सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है, दोनों टाइप का बात हुआ था, मतलब या तो सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ है या सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर वन है, वन किसमें है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर वन में सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसमें यह करना होगा, पार्टनर का नाम क्या क्या लिख दीजिए, तो पार्टनर का नाम है संजय, थोड़ा क्लीन इधर करके बनाते हैं, नहीं तो फिर ये दिक्कत रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन हम सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन किससे रिलेटेड है पता चल गया होगा, सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन नंबर वन में, देखिए क्या है, पार्टनर का नाम क्या क्या बोलिए, तो पार्टनर का नाम है संजय सुनील और क्या नाम है, संजय सुनील और एक और पार्टनर है जिसका नाम है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो सुधीर है, कौन है? सुधीर। रेशियो देखिए क्या दिया हुआ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ आपको सवाल में, कितना दिया हुआ ओल्ड रेशियो, देखिए तो संजय का ओल्ड रेशियो दिया हुआ 2/3, सुनील का ओल्ड रेशियो दिया हुआ 1/3, क्योंकि ये नया पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो होगा नहीं। सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कुछ बताया है सवाल में क्या? सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में सवाल में कुछ नहीं बताया है, देख लीजिए सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में सवाल में कुछ बताया गया नहीं है, ठीक है।
सिग्निफाई रेशियो में के लिए सवाल में कुछ बताया है नहीं है। चलो सिग्निफाई रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया है और गेन इसके ऊपर बोल रहा है और सिग्निफाई रेशियो के बारे में लेकिन गेनिंग रेशियो जो कि गेन करेगा गेमिंग रेशियो कौन गेन करेगा बोलिए तो जब भी गेन करेगा बाबू तो वो नया पार्टनर गेन करेगा। हम आपको लास्ट क्लास में चर्चा कर लिए हमेशा गेन करेगा न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कितना गेन कर रहा सवाल में लिखा होगा आपका देखिए न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए देखो 1/4 इसको मिल गया। अगर आपको हम नोट लिखाए हो क्या लिखा है बोलिए तो सभी बच्चे अपना उस दिन वाला नोट प्रिपेयर कीजिएगा पिछले लास्ट दिन वाला। यदि सिग्निफाई रेशियो दिया हुआ नहीं है सवाल में तो माना जाएगा कि दोनों ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सिग्निफाई कर रहा है ओल्ड रेशियो में सिग्निफाई कर रहा है। इसका मतलब इस सवाल में सिग्निफाई रेशियो क्या हो जाएगा बोलिए तो एकदम सिंपल सा बात है सिग्निफाई रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 ऐसे निकाल के पता चल गया ना। अगर सवाल में सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। अगर सवाल में सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा बोलिए तो सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा 2:1। इसका मतलब एक कितना सैक्रिफाइस करेगा बोलो ये सुनील सुनील कितना सैक्रिफाइस करेगा तो सुनील सैक्रिफाइस करेगा 1/4 उसको मिल रहा है किसको सुधीर को तो इसका 2/3 कौन देगा 1/4 का 2/3 कौन देगा सुनील देगा मतलब सुनील देगा 2/12 और उसके बाद क्या नाम है सुनील है संजय पारा संजय संजय कितना देगा संजय देगा 1/12 उसके बाद सुनील कितना देगा तो सुनील फिर वही बोल रहा कि हम देंगे 1/4 का 1/3 कैसे निकाले पता चल गया होगा कितना निकलेगा ये 1/12 मतलब ये हो गया कि ये 2/12 देगा और ये 1/12 देगा तो इसमें से इसको घटा दीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए। आपको हम बताए हुए क्या बताए हुए बोलिए यदि रिजल्ट पॉजिटिव में आए मतलब रिजल्ट अगर प्लस में आए तो मानना कि वो सैक्रिफाइस किया है। जिसका जिसका रिजल्ट प्लस में आएगा वो क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा जिसका रिजल्ट प्लस में आएगा वो क्या करेगा ये सैक्रिफाइस करेगा नहीं तो ये तो न्यू रेशियो सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं न्यू रेशियो निकल जाएगा निकालो इसमें से इसको घटाओ इसमें से इसको घटाओ इसमें से इसको घटाओ देखो तो न्यू रेशियो आपको निकल जाता है कि नहीं कितना निकल जाएगा ये जोड़ो इसमें से इसको 1/4 आ जाएगा रे 0 प्लस 1/4 आ जाएगा इसमें इसको माइनस करके देखिए तो कितना आता है तो करो 1/3 माइनस 1/12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो 3×4 ठीक है और माइनस 1 मतलब 3/12 और ये कितना होगा देखो तो 2/3 माइनस 2/12 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा 8 - 2 6/12 और ये हो जाएगा गुना 3 तो कितना रेशियो निकल जाएगा बोलो सब बच्चे रेशियो निकल जाएगा 6:3:3 मतलब रेशियो 3:6:3:3 मतलब हो जाएगा 2:1:1 यही रेशियो होगा 2:1:1। चलिए आगे है अपना आगे का हम लोग का है इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में आइए कपिल और सुनील पार्टनर है 3:2 के अनुपात में लाभ अनुपात वायर करते हैं वे श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं जिसे वह 2/12 किससे कपिल से और 1/12 सुनील से क्रय करता है नया लाभ विभाजन अनुपात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ कि कपिल और सुनील दोनों पार्टनर 3:2 में लाभ प्राप्त करो श्रीकांत को कितना के लिए दिया है 1/4 के लिए जिसे वह 2/12 मतलब सैक्रिफाइस रेशियो की दिया हुआ कितना 2:1 सैक्रिफाइस रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 समझे। चलिए करते हैं ये तो क्लियर कर दिया सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ आराम से क्लियर लिख कर दिया आपको इसी रेशियो में हम सैक्रिफाइस करेंगे और वो इस रेशियो में क्या करेगा गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दूसरा बच्चा
तो सवाल जो है ना आपको दो ही कांसेप्ट के आधारित है क्या सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ है या सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ नहीं है यदि सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ है तो इट्स ओके अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे तो सवाल सॉल्व करेंगे उसी कांसेप्ट पे चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के अगला सवाल है आपका कपिल और सुनील पार्टनर है मतलब पार्टनर का नाम क्या-क्या है देखिए तो पार्टनर का नाम है कपिल एंड सुनील दोनों पार्टनर का नाम लिख रहे हैं कपिल और सुनील कौन-कौन पार्टनर है रे पार्टनर्स हो गए आपका कपिल एंड सुनील पार्टनर्स है कपिल और सुनील कपिल एंड सुनील पहले से पार्टनर था नया पार्टनर का नाम क्या है श्रीकांत नया पार्टनर का क्या नाम है श्रीकांत कपिल सुनील पहले से पार्टनर था नया पार्टनर आपका श्रीकांत रेशियो क्या है देखिए कपिल और सुनील का रेशियो है मतलब ओल्ड रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे ओल्ड रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो आपका ओल्ड रेशियो 3:5 2:5 ये नहीं श्रीकांत का उसके बाद बोल रहा है जिसमें से बोल रहा नया पार्टनर जो आएगा श्रीकांत उसको गेन कितना होगा गेन और सिंपलीफाइज के बारे में आपको सवाल में बताया हुआ है गेन कितना हुआ तो देखिए तो 1:4 और ये जो सिंपलीफाई जो करेगा वो कितना करेगा देखिए बोल रहा है 2:12 कपिल 2:12 कौन करेगा कपिल करेगा और 1:12 कौन करेगा सुनील करेगा इस सवाल में आप क्या देखे बोलिए तो इस सवाल में ये देखे कि रेशियो दिया हुआ है क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है सिंपलीफाइज रेशियो दिया हुआ है तो सिंपलीफाइज रेशियो दिया हुआ है उसके अनुसार सवाल बनाएंगे अगर सवाल में सिंपलीफाइज रेशियो दिया हुआ है सिंपलीफाइज रेशियो कंसीडर करेंगे अगर सवाल में सिंपलीफाइज रेशियो दिया हुआ नहीं है तो सिंपलीफाइज रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसमें इसको जोड़ दीजिए इसको माइनस कर दीजिए इसमें से माइनस कर दीजिए आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा न्यू रेशियो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बन गया इसी तरह आपका सवाल जो है बनाते चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आपका सवाल दिया हुआ है ए बी पार्टनर है 5:4 में लाभ बांटते हैं सी को 1:10 हिस्सा के लिए जिसमें वह दोनों बराबर अनुपात में प्राप्त करता है जिसे वह दोनों से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है मतलब देखिए आपको अगला जो सवाल है उसमें फिर से सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ सिंपलीफाई रेशियो क्या दिया हुआ बोलो रे सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ 1:1 मतलब कि 1:10 जो उसको मिल रहा है इसका 1:2 ये दे रहा है और 1:10 का 1:2 दूसरा पार्टनर दे रहा है मतलब ये हो गया आपका सिंपलीफाई रेशियो बस समझ में आया दूसरा सवाल में सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ है सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ है तो इजीली माइनस कर दीजिएगा अगर सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा सिंपलीफाई रेशियो होगा सब बच्चा को समझ में आ गया होगा यदि सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ है और यदि सिंपलीफाई रेशियो दिया हुआ नहीं है ठीक है तो ये हो गया आगे आप सवाल बनाएंगे और आपको जब प्रॉब्लम आएगा इसमें तो प्लीज हमको जरूर बताइएगा ठीक है तब हम आपको सॉल्व आउट कर सकते हैं कहीं कहीं पे तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है फिर से निकल जाएगा कहीं कोई समस्या नहीं है ठीक है किसी किसी में दिया हुआ है कि एक ही आदमी से पूरा पूरा पैसा ले रहा है तो वो भी ठीक है वो भी निकल जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा अपने बुक का पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है क्वेश्चन नंबर 11 निकालिएगा और उसमें देखिएगा कि पी क्यू आर एक फर्म में क्या है साझेदार है पी क्यू आर एक फर्म में साझेदार है और प्लीज आप लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं ये बहुत गलत बात है आप लोग वीडियो देख के लाइक कीजिए ठीक है कमेंट कीजिए जरूर कीजिए एक बार प्लीज अच्छा लगेगा हमको प्रमोट लगेगा हाँ प्रमोट और अच्छा वीडियो बना अगर वीडियो खराब बना तो भी बता दीजिए तो फिर से कुछ और सुधार लाया जा सकता है तो जरूर लाएंगे ठीक है और जो भी देखेंगे प्लीज एक बार सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा वीडियो का व्यू अच्छा खासा हो जा रहा है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए बंदा देखेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को प्लीज चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं पार्टनर का नाम है पार्टनर कौन कौन है तो पार्टनर है पी क्यू और आर पार्टनर कौन कौन है पी क्यू और आर पार्टनर है चलिए पार्टनर सबसे पहले है
क्वेश्चन नंबर 11 में पार्टनर का नाम पी क्यू, नया पार्टनर का नाम आर, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है और नया पार्टनर एक और पार्टनर है एस। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ पी क्यू आर के बीच में, देखिए तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ पी क्यू आर के बीच में 3 × 5 = 3/6 / 2/6 / 6, ठीक है। उसका एस नया नया परिवेश दिया गया जो कि पूर्णतः सारा का सारा पी से 1/6 प्राप्त करता है। देखिए इसमें बोल रहा है पी से 1/6 प्राप्त करता है, तो 1/6 पी से मिलता है और 1/6 इसको मिल रहा है, यही तो पूरा सवाल। मतलब क्या हुआ इसका बताइए तो, कि अपने हिस्सा का 1/6 कौन पी किसको दे रहा है, एस को दे रहा है। मतलब सेक्रीफाइस और गेन दिया हुआ है आपको, कि सेक्रीफाइस कौन करेगा और गेन कौन करेगा। देखिए इस कितना हो जाएगा 2/6, ये कितना हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/6। क्या रेशियो निकल जाएगा आपको, मतलब 2:1 / 2:1 / 1 ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हो जाएगा। और इस सवाल में पूछा है गेन रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इस सवाल में गेन रेशियो होगा ही नहीं। कोई बोलेगा क्यों नहीं होगा, जैसे कि फाइनेंस में होगा क्योंकि एक ही आदमी है ना, एक आदमी का रेशियो कभी भी नहीं होता है। मतलब केवल एक चीज से रेशियो आप नहीं निकालते, रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक फैक्टर से रेशियो नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए सवाल में बोलेंगे रेशियो नहीं होगा। और एक सवाल था, देख लेते हैं जो सवाल हमको लगता है कि बच्चा को बताना चाहिए वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दो को और सवाल बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सब एसकेसी के बुक का सवाल बना रहे हैं फिलिप, और आप लोगों को अगर किसी और बुक का सवाल चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, जो भी सवाल चाहिए उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। एक लड़का का सवाल था बीच, हम उसका बनाएंगे जरूर उस लड़का का सवाल, ठीक है। एक लड़का हमको क्लास में सब व्हाट्सएप किया था, क्लास का ही लड़का अपना, तो उसका सवाल हम सोल्व करेंगे। हालांकि उसका सवाल फिर से हमको मिल नहीं पाया है, फिर भी कोशिश करेंगे कि उसका सवाल हमको याद है और हमको कोई देर मिल जाए तो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला, ए बी, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तो बोल रहा है कि ए बी एक फर्म में साझेदार है, ए और बी पार्टनर है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ओल्ड रेशियो, दोनों के बीच का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 / 2/5 / 3/5 / 2/5। बोल रहा है उन्होंने x एवं y को प्रवेश दिया, x एवं y दोनों को प्रवेश दिया, x और y को पार्टनर आए फर्म में। बोल रहा a ने अपने हिस्से का 1/3, देखिए a का हिस्सा कितना है 3/5 का 1/3, मतलब 3/5 का 1/3 छोड़ के किसको दे दिया है, x को दे दिया, मतलब कितना दे दिया होगा x को 3/15 दे दिया होगा, ये दिया 3/15 उसको, यही में सेक्रीफाइस किया होगा रे, सेक्रीफाइस और गेन। और आगे क्या होगा देखिए, b ने 1/4 अपने हिस्से का 1/4 y को दिया, देखिए b का क्या बात हो रहा है सेक्रीफाइस में, बोल रहा है बी अपने हिस्से का, तो बी का हिस्सा 2/5 का 1/4 किसको दे रहा है, उसको दे रहा है, तो कितना मिल गया देखिए तो 2/20। मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको प्लस, इसमें से इसको प्लस कीजिए, इसमें से इसको प्लस कीजिए, आपको जो निकल के आएगा वो जाएगा न्यू रेशियो। इससे क्या समझे, देखिए प्लीज बात को समझिए, अपने हिस्से का सवाल में जो देता है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा इतना है, सोचिए आपके पास एक समोसा है, एक समोसा है, इसमें से आप अपने हिस्सा एक समोसा है, इसमें से अपने भाई को दे रहे हैं आधा समोसा, इसका आपके पास का आधा समोसा बचा, यही चीज बोलता है अपने हिस्से का इतना दे रहा है, यही चीज क्लियर हो रहा है, अपने हिस्से का इतना दे रहा है, समझ गया बात से। चलो एक है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इसको हम बना लेते हैं पूरे अच्छे से और प्लीज समझ भी जाइएगा अच्छे से, ठीक है। क्या है देखो,
क्वेश्चन नंबर एक में बताया है कि अब है दो आदमी पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बोला आपको कि दो पार्टनर है, एक अभय और अनुज पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या क्या बोले तो अभय और अनुज, अभय और अनुज दो पार्टनर है, ठीक है, अभय दो पार्टनर है। बोला है एक नया पार्टनर को अक्षय, एक नया पार्टनर का नाम है अक्षय, अक्षय फर्म में आया कितना के लिए, एक बटे चार के लिए। लेकिन ये दोनों के बीच का ओवर रेशियो नहीं बता रहा, किस रेशियो में ये दोनों प्रॉफिट को बांट रहा है ये पहले से, मतलब ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवेन, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है बिटवीन किसने है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो दिया हुआ सवाल में नहीं है, ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवेन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको सवाल में दिया हुआ नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे इस केस में, और उसके बाद बोल रहा है कि फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब है भविष्य में, फ्यूचर में अक्षय और अनुज प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटने वाला है। देखिए तो बोल रहा है हम दोनों 3:2 में बांटेंगे, ये दोनों बोल रहा हम लोग 3:2 में बांटेंगे। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम आपको बहुत अच्छा सा बात बताते हैं। सोचिए एक आपके पास मैंगो है, एक मैंगो है, ये आम है आपके पास, ठीक है, इस आम में से एक बटे ये आम पहले कौन कौन बांटता होगा बोलिए तो अभय और अनु, जैसे भी बांटता होगा, मान लिया जाए बराबर बराबर बांटे, मान लिया जाए बराबर बराबर बांटता होगा, तो सवाल में नहीं था, जैसे भी बांटता होगा जरूर होगा, क्योंकि पहले अभय और अनुज ही था और यही आम को बांटता था। अब एक नया आदमी अक्षय है, अक्षय को हम क्या बोले बेटा तुमको एक बटे चार इसका हम दे देते हैं, मतलब एक बटे चार दे दिए, इस आम में से एक बटे चार दे दिए, तो आम कितना बचा बोलिए तो बोलिएगा ना कि एक आम था उसमें से एक बटे चार दे दिए तो कितना बचा है, तीन बटे चार बचा, मतलब ये वाला पार्ट कितना है तीन बटे चार है और ये वाला पार्ट एक बटे चार है, तो ये बटे चार कौन लेके चल गया, ये वाला पार्ट बोलिए, ये पार्ट लेके चल गया अक्षय, अब बचा कितना, अब बचा कितना तीन बटे चार बचा, कितना बचा तीन बटे चार बचा। अब इस तीन बटे चार का क्या हो रहा, तीन बटे चार का 3:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, मतलब अभय और अनुज इस 3:4 को 3:2 के रेशियो मिलेगा, तो न्यू रेशियो देखो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो देखो क्या हो जाएगा, तो न्यू रेशियो हो जाएगा अभय, अभय का कितना हो जाएगा, तो अभय का हो जाएगा 3:4 का 3:5 कितना हो जाएगा 9:20, 9:20 हो गया अभय का। अनुज का बात करोगे तो अनुज का देखो कितना हो जाएगा, अनुज का हो जाएगा 3:4 का 2:5 कितना हो जाएगा 6:20, तो अभय अनुज और अक्षय तीनों का देखो, एक का 9:20, 6:20, 1:4 तो इसको कर दो गुना 5 9:6:5 9:6:5। देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, पहले हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, क्लास में ऊपर नीचे हम लोग को बराबर करना रहता है, इसी मतलब आपको हमेशा सभी का डिवाइडर क्या होना चाहिए रे, इक्वल रहना चाहिए, इसमें 20 है इसमें 20 है इसमें भी कितना होगा 20 होगा, तो 20 होगा तो नीचे से 5 से गुणा करके ऊपर से 5 से गुणा करना पड़ता है, मैथ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का रेशियो का चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब जो आपका ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकालने के लिए, ये आपका कंप्लीट होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो तुरंत बाद आपका रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो कि हम आपको थोड़ा ही देर में ये वीडियो स्किप करके इसको हटा के इसको आपको अपलोड कर देते हैं, उसका सेकेंड वीडियो आपको रहेगा कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो कि आपको थोड़ा देर में बताते हैं।